छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आदित्य भगत को एनएसयूआई सोशल मीडिया टीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। चेयरमैन बनने के बाद पहली बार आदित्य भगत रायपुर पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान आदित्य भगत ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए सच को सामने लाया जाएगा और बीजेपी पर प्रोपोगेंडा फैलाने का आरोप भी लगाया। आवाज दबाई जा रही है, हर उस आवाज को दबा दिया जाता है जो सरकार के खिलाफ उठती है, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिसको दबाया नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्र नेतृत्व है उनका ये मानना है कि इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचाना है, इस बात को इकट्ठा करना है, क्योंकि अलग अलग जो सेक्टर है उनको टुकड़े टुकड़े में बांध करके ये अलग अलग नाम दे देते हैं। जब स्टूडेंट्स इनका विरोध करते हैं तब उन्हें टुकड़े टुकड़े कहते हैं, जब किसान करते हैं तब उसे खालिस्तानी कहा जाता है।